से ये मंथन चल रहा था, ये विचार विमर्श चल रहा था, पर्यवेक्षक भी यहाँ पर तय किए गए। उसके बाद आखिरकार डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी मिल चुकी है कि अब वो बतौर सीएम, बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। अभी शपथ ग्रहण समारोह की वो तारीख भी सामने आ जाएगी। इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई है तो उसके पीछे एक नहीं कई वजह होंगी, और उसी वजह में माना जा रहा है कि वो एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो जनता से सीधा संपर्क में रहते हैं, या फिर यूं कहिए कि जनता के बीच उनकी एक अच्छी खासी पैठ भी है। हालांकि सिर्फ यही वजह भी नहीं हो सकती है, युवा चेहरा भी राजनीति के लिहाज से है। मोहन यादव को संघ का करीबी भी बताया जाता है, वो ओबीसी चेहरा भी है, महाकाल की नगरी से भी आते हैं, बीएससी, एलएलबी, पीएचडी, एमबीए भी उन्होंने किया हुआ है, यानी शिक्षा मंत्री की भूमिका में भी प्रदेश की जनता ने उन्हें देखा है। और उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय इस बार खास तौर पर बनी रही, वहां से हैट्रिक भी उन्होंने लगाई, तीन बार वो वहां से जीत चुके हैं, एक अच्छे खासे अंतर के साथ उन्होंने ये जीत भी हासिल की है। और आखिरकार जो बड़े बड़े नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे वो पीछे छूटे और डॉक्टर मोहन यादव पर वो मुहर लगाई गई, जो ये बताती है कि अब मध्य प्रदेश की कमान सीधे सीधे उनके हाथों में है। और अभी कैलाश विजयवर्गीय जी से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा जी की बातचीत भी यहाँ पर हो रही थी, कई सवाल उनसे पूछे गए। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी साफ साफ तौर पर कहा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति की है और समाज सेवा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयं सेवक होकर के लगातार पूरे जीवन भर अनवरत रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई, उज्जैन संभाग को मुख्यमंत्री मिला, बहुत बहुत बधाई। शिवराज सिंह चौहान जो 17 साल की लेगेसी छोड़ पा रहे हैं, सब खड़े उतर पाएंगे? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय करती है उसका स्वागत है। अरे मोहन भैया, अरे दो लोग हैं और देखिए अभी सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। छात्र राजनीति का अनुभव है, विधायकी का भी अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री की भूमिका भी वो निभा चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी वो बन चुके हैं। इसके अलावा खेल से भी उनका ताल्लुक यहाँ पर रहा है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी भी बता रहे थे। यानी एक ऑलराउंडर के तौर पर जब बीजेपी किसी को चुनती है तो वो जानती है कि किस तरह से सियासी तौर पर भी और जनता के बीच भी जब वो जाए, वो शख्सियत जाए जो खास तौर से मध्य प्रदेश या फिर किसी भी राज्य में बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहा हो, तो वो पूरी तरह से स्वीकार्य हो। अब अनुभव होगा मुख्यमंत्री पद का, मुख्यमंत्री के कामकाज का, और क्या कुछ कहेंगे वो इस दौरान। हालांकि उन्होंने अभी जो कहा उसमें धन्यवाद कहा, उनका परिवार भी बेहद खुश नजर आया। परिवार खुश है कि घर का बेटा, घर का पोता, घर का भाई, घर का सदस्य अब प्रदेश की कमान संभालेगा, जनता की सेवा मुख्यमंत्री के तौर पर करने जा रहा है। और देखिए जिस तरह से ये विधायकी शुरू हुई, अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अब पूरा देश देखेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा से एक ऐसा राज्य रहा है, 230 सीटें विधानसभा की यहां से आई है और 163 सीट लेकर जीत हासिल करना, जहां जीत का आंकड़ा महज 116 होता है, उससे इतना आगे बढ़ जाना बीजेपी के लिए एक बड़े दावे के तौर पर था, जिसे तमाम पार्टियां नकार रही थी, खासतौर से कांग्रेस नकार रही थी, विपक्षी पार्टी नकार रही थी। लेकिन वो सकारात्मकता कैसे बदल गई, वो 3 दिसंबर को सामने आ गई, और 3 दिसंबर से लेकर अब तक करीब 8 दिन और ये महामंथन, और इसी महामंथन में आखिरकार मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ गया। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। मनोज, क्या कुछ और जानकारी यहां पर मिल रही है, कितनी देर में अब अपनी बात यहां पर सामने रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कमान तो अब हाथ में आ गई है, अब सब खोलने के लिए जंग भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी दफ्तर में अभी जो मीडिया से बातचीत कर ही रहे हैं सामने है, और वो अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। सबसे पहली प्राथमिकता उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पार्टी है, पार्टी को अच्छे से जिताना। और दूसरा, महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं मोहन यादव, 3 बार हैट्रिक, एक तरह से 3 बार लगातार महाकाल धार्मिक नगरी से
तीन बार चुनाव जीते हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है बीजेपी से जुड़ा हुआ, उससे ताल्लुक ये शुरू से जो राजनीति की है, राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शुरुआत की थी। तो फिलहाल मोहन यादव मीडिया से मुखाते हैं। और इसके अलावा जो दो नाम जो और आ रहे थे कि डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं, जिनके अभी जो जैसे कहते हैं जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी पार्टी करेगी, और वो इसके अलावा स्पीकर में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया, लेकिन इन सबका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी पार्टी की तरफ से बाकी है। लेकिन मोहन यादव के नाम पर बीजेपी के जो 163 सदस्य थे, बीजेपी के विधायक थे, जिसमें मोहन यादव के नाम पर पार्टी 162 सदस्यों ने सर्वसम्मति से मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई, और खुद पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव रखा। तो जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की एक नई शुरुआत है, 16.5 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले दिग्विजय सिंह की जब सत्ता खत्म हुई थी 2003 में, उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पहली बार सभा। मनोज, आप ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव रखा, हालांकि मंच से उनकी खुद की खुशी और सर्वसम्मति साफ इन तस्वीरों के जरिए देखी भी जा रही है। और क्या ये बताता है कि अब प्रदेश के लिहाज से एक एकजुटता और एक उस साहस जो कि हमेशा से बीजेपी साथ लेकर चलती रही है, जो प्रदेश के लिए एकदम नई शुरुआत है। क्योंकि जहां तक बाकी लोगों की जो जिम्मेदारी है, जैसे पीटी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उनके ऊपर अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। और एक बात शुरू से हालांकि कही जा रही थी कि जो प्रचार में जो चेहरे सामने दिख रहे हैं, इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रचार के चेहरों में जो सामने जो बैनर चलते थे स्टार प्रचारकों के, उससे अलग होगा। और वो बात आखिर सही साबित हुई। आउट ऑफ द बॉक्स की जो बात हो रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व किसी ऐसे पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को पार्टी का काम देगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया, मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्धित होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज
हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का।